ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज रिंकी सिंह। और आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 7 का चैप्टर 10 है, जिस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली, जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक प्लांट में और एक एनिमल में किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये पूरे इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले, जब हमारा चैप्टर ही रेस्पिरेशन के बिहाफ पर है, रेस्पिरेशन के ऊपर है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, आपको क्लास 3rd 4th में अधूरी डेफिनेशन एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये बताया जाता है ब्रीथिंग इज द रेस्पिरेशन, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक द रेस्पिरेशन इज द ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग जस्ट द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, एक स्टेप होता है। ब्रीथिंग का मतलब रेस्पिरेशन नहीं होता। एग्जैक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए, हम रेस्पिरेशन के बाद हम फर्दर डिवीजन जब देखेंगे, उनके स्टेप जानेंगे और रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं जानेंगे, तो हम पूरी प्रक्रिया रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप जो खाना खाते हैं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सर्वाइव करना है, उन्हें जीना है, तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें खाना खाने से मिलती है। बट एनर्जी फॉर्म, खाना खाने से डायरेक्ट एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, यही प्रोसेस में रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है। मतलब अगर आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है शरीर में बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप जो भी, इसको ध्यान से सुनना है आपको, मैं इंटरनल रेस्पिरेशन का बता रही हूँ, या अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, बेसिकली जब आप खाना खाते हैं और वो खाना जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, वो खाना खाने के बाद जो खाना टूट रहा है, विखंडित हो रहा है, वैसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती है। उसमें क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है, वाटर रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जो भी आप खाना खाएंगे थ्रू द ऑक्सीजन, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उससे हमें एनर्जी फॉर्म होती है, और वही एनर्जी आपके काम आती है। किस लिए काम आती है, जो भी आप दिनचर्या में या सुबह से लेकर शाम तक डे टू डे जो भी काम करते हैं, वही एनर्जी हमें वर्क में काम आती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में दो तरीके के रेस्पिरेशन के स्टेप होते हैं, ठीक है। आपके रेस्पिरेशन जो आप करते हैं, श्वसन क्रिया जो आप करते हैं, उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, रेस्पिरेशन इन कैरिड आउट द टू स्टेप, ठीक है, दो स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर साधारण शब्दों में कहें तो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदरूनी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी रेस्पिरेशन, दो स्टेप होते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल, इनके फर्दर नाम भी होते हैं, दूसरे नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरनल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन को आप ब्रीथिंग भी बोलते हैं, सॉरी एक्सटर्नल होगा यहाँ पे, इंटरनल मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो आपका क्या होगा बेटा, ये एक्सटर्नल होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो बाहरी रेस्पिरेशन होती है उसको ब्रीथिंग भी कहते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन को कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आपको रेस्पिरेशन के अंदर टू स्टेप ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है उसी के थोड़ा नेक्स्ट लेवल का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या मैंने बताया आपको, रेस्पिरेशन तो होती है, लेकिन इसमें फर्दर टू डिवीजन या टू स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्पिरेशन को आप सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आप ब्रीथिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए, अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आपको ना, मैं जितना समझा रही हूँ उसको मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। देखिए, जितनी, जैसे आप बुक पढ़ते हैं 5 से 6 पेजेस का एक चैप्टर होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें लर्न नहीं करनी होती है, हमें उनमें से देखना होता है कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कि हमें दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ब्रीथिंग की बात करती हूँ। जहाँ पर ब्रीथिंग की बात आ रही है, वो तो आप बहुत ही ईजी वे में, आपको जूनियर क्लासेस से ब्रीथिंग प्रोसेस बताया जाता है। ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग के अंदर हम एयर का या ऑक्सीजन का इनहलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहलेशन करते हैं। जिसको इनहलेशन एक्सहलेशन का मतलब नहीं पता है, वो इसको ध्यान से सुने। इनहलेशन का मतलब ऑक्सीजन का लेना। हम श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस में
यही दो चीजें करते हैं हम, लेते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेलेशन मतलब लेना, एक्सहेलेशन मतलब छोड़ना, एक्सहेल मतलब छोड़ना। तो ब्रीथिंग प्रोसेस में हम करते क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यही चीजें होती है। तो वो एक ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाता है और उसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब हमने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, अब ऑक्सीजन को जो अंदर ले लिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या हुआ, सबसे पहली चीज वो सारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करके आपके पूरे शरीर के सभी सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीजन और क्या काम करता है, तो देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि अंदर जब ऑक्सीजन चला गया, लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजन चला गया, तो उसका इस्तेमाल और क्या हुआ, क्या हुआ शरीर के अंदर ऑक्सीजन का। तो देखिए इसके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन में हम जानेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब वो होता है कि ऑक्सीजन की मदद से आपका खाना ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ध्यान से सुनना है, समझना है, होता क्या है बेटा, आप जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी इन्वॉल्व होती है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करके लेकर जाता है ना ब्लड पूरे शरीर में, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी इन्वॉल्व होती है। तो जब भी आपके फूड को ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, जब भी फूड को, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फूड है आपका, ठीक है, फूड को क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं ग्लूकोज लिख देती हूँ, ग्लूकोज लिख देती हूँ, ध्यान से देखना है, ग्लूकोज को क्या मिला बेटा, ग्लूकोज को मिला O2 यानी कि ऑक्सीजन मिला। तो जब ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, यानी कि ऑक्सीजन और फूड, फूड को ग्लूकोज फॉर्म कहा जाता है, जब वो शरीर में जाता है तो उसको फूड नहीं बोलते, उसको ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या क्या चीजें रिलीज होती है, क्या क्या चीजें बनती है, तो एक तो CO2 बनता है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि हम एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जब आप रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, जब आप ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं तो CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होगी या कंबाइन होगी तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है एनर्जी, जिस एनर्जी का इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। इसका आप बेसिकली ये वाला एग्जांपल आप इसका कैरी कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर सकते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में। इंटरनल रेस्पिरेशन में हुआ क्या बेटा, आपका खाना अंदर गया, खाना जब गया यानी कि ग्लूकोज गया तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, और ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो क्या क्या रिलीज करेगा, ये क्या क्या फॉर्म करेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, क्या करेगा, एनर्जी, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, एनर्जी करेगा, ठीक है, ये आपकी हो गई एनर्जी। तो ये चीजें वो फॉर्म करता है, ये आपका क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन अंदर जाने के बाद आपका खाना एनर्जी जो फॉर्म्ड करता है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपको ध्यान ही रखना है बच्चा कि रेस्पिरेशन के अंदर 2 स्टेप होते हैं, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल में क्या हुआ, हमने बाहर से एयर को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, और इंटरनल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमने एनर्जी फॉर्म करने के लिए किया। बेसिकली हम खाना खा रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं तो हमें उसका करना क्या है, हमें उससे एनर्जी ही तो फॉर्म्ड करनी है, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी, अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ एनर्जी मेरी एनर्जी लग रही है ना, बेशक मैं भाग दौड़ नहीं रही हूँ लेकिन मेरी एनर्जी तो लग रही है बोलने में। तो हमें बेसिकली हमारे फूड से एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी जो फॉर्म्ड होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड होता है, जो कि ब्रीथिंग प्रोसेस द्वारा हमको मिलता है, या बोल सकते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा हमको मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एज वेल एज द कंबर्शन की तरह होता है, ठीक है। अब कंबर्शन तो आपको पता होगा, अगर जिसको नहीं पता है अभी हम कंबर्शन का मतलब समझा देते हैं कि कंबर्शन क्या होता है। देखिए इसकी, इसका ना आपके बुक में एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, इनमें अंतर क्या होता है। बेसिकली कंबर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का जलना, जलना, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चीज जला रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने कागज को जलाया, ठीक है, कागज को मैंने जलाया तो कागज क्या हो गया, बर्न हो गया, जल गया। तो जलने को बेसिकली कंबर्शन कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने कंबर्शन को सेलुलर रेस्पिरेशन से क्यों कंपेयर किया है, इसमें ऐसी क्या सिमिलैरिटी होती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन कंपेयर टू कंबर्शन। तो देखिए इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है और डिसिमिलैरिटी भी पाई जाती है। जैसे कि कंबर्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है आपको, इनको कंपेयर कर सकते हैं हम, बट इसमें डिफ्रेंसिएशन भी उतना ही होता है।
ध्यान से समझना, मैं दोनों को आपको डिफरेंसिएशन समझा रही हूँ कि कंबर्शन मतलब जलना, केमिकल रिएक्शन द्वारा ये जलता है, और इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होता है. ओके, अब जैसे कि कोई भी कागज जल रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी तरीके से आपका खाना भी तो अंदर एनर्जी रिलीज करता है ना. ये कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी. आपने एनर्जीज के बारे में तो पढ़ा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती है. तो ये भी एनर्जी रिलीज करता है, बट ये कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है, और ये भी एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी. तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे आपके डिफरेंशिएशन बुक में भी अवेलेबल हैं जो कि इसको अंतर बताता है, इसको कंपेयर किया जा सकता है कंबर्शन में, जलने में. ठीक है, तो ये आपका, आई होप इट्स क्लियर. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, दो तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, दो तरीके से आप रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, ये ध्यान रखना. अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो वो मोस्टली ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं. अब एरोबिक क्या होता है मैडम, और एनारोबिक क्या होता है मैम, तो ये बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से सुनना है आपको. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन नहीं करते. अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, मैम विदाउट ऑक्सीजन तो हम रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकते. बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रीथिंग प्रोसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन के दो स्टेप होते हैं ना. तो इंटरनल रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया, जब ऑक्सीजन फूड के साथ, ग्लूकोज साथ कंबाइन होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है. व्हेन द ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इट रिलीज एनर्जी, या इट फॉर्म्ड एनर्जी, यही बताया ना मैंने. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन का क्लियर डेफिनेशन अभी ध्यान रखना है, अभी हम इंटरनल रेस्पिरेशन की ओर जा रहे हैं. तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एक ग्लूकोज एनर्जी फॉर्म्ड करता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से जीव होते हैं, बहुत से जीव में मैं आपको बताती हूँ, बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे इसमें. तो हमारे जो सराउंडिंग क्राइटेरिया या आप बोल सकते हो आपका एनवायरमेंट है, उसमें दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं. एक वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, जो कि हम अपना एग्जांपल भी इसमें पुट कर सकते हैं. और एक वो होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. एनारोबिक का मतलब क्या है, वो रेस्पिरेशन जिसमें वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसमें विथ ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना, विथ ओ टू. ये क्या होगा, विदाउट ओ टू. कैसे होगा बेटा, विदाउट ओ टू, यानी कि ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के साथ. इसमें सिंपल सा ये समझना, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू और समझा दूंगी, लेकिन अभी आपको दिमाग में क्लियर रखने के लिए आप ये समझे, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है वो क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहता है. ठीक है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने, मैंने अभी अभी आपको समझाया, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा ये कि क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज और क्या मिलेगा बेटा, ग्लूकोज और O2, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा. और क्या क्या बनाएगा वो, वाटर को बनाएगा, और क्या बनाएगा, और बनाएगा आपका CO2 को बनाएगा, और क्या बनाएगा बेटा आपका, और बनाएगा एनर्जी बनाएगा. क्या बनाएगा, एनर्जी बनाता है. आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैशी हो गया है. तो क्या होता है बच्चा, इस रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एक नॉर्मल प्रक्रिया, जैसे आपका रेस्पिरेशन होता है ना इंटरनल, बहुत ही बेसिक प्रक्रिया में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, फिर वो एनर्जी रिलीज करता है, उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कई मात्रा में ज़्यादा रिलीज होती है. आई होप बच्चा आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ी सी इशू हो गई है, लाइट इशू. तो जैसे कि हम किसकी बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है बच्चा जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इन्वॉल्व नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. बहुत सारे जीव एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के वो अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, बट उसके अंदर एनर्जी बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, यही होता है. तो कौन कौन से जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के
रेस्पिरेशन करते हैं वो होते हैं यीस्ट और बैक्टीरिया। यीस्ट और बैक्टीरिया दो ऐसे जीव हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब इस रेस्पिरेशन में क्या क्या रिलीज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन करती हूँ तो उसमें क्या क्या रिलीज होगा, आपका वाटर, CO2, एनर्जी, तीन चीजें रिलीज होती है। और अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर कोई जीव करता है तो उसमें क्या क्या चीजें रिलीज होती है, उसके अंदर रिलीज होता है सबसे पहले अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी, ये तीन चीजें रिलीज होती है। क्या चीज रिलीज होगी बेटा, आपका क्या होगा, एक तो आपका हो जाएगा अल्कोहल, ओके यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, तो अल्कोहल ओके एंड देन क्या होगा CO2 एंड देन एनर्जी, तो इसको आप लिख सकते हैं ओके आई होप इट्स क्लियर, डोंट नो इट्स क्लियर और नॉट। तो ये क्या रिलीज होता है किसमें बच्चा, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल, CO2, एनर्जी रिलीज होती है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कई हद तक कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लैक ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होती है, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कभी कभी हमारे मसल्स के अंदर भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। कब होती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि एथलीट्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत भागते हैं, या आप खुद ही जॉगिंग वगैरह करते हो तो आपके मसल्स जो है ना क्रैप होने लगते हैं, ठीक है, तो वो उस वक्त क्या होता है, हम हाँफना शुरू कर देते हैं, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती, तो उस टाइम भी हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, हमारी मसल जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के वजह से। इसके साथ आपका ये कंटेंट कंप्लीट होता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर।